हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फिश का एक्सपेरिमेंट जो कि है कंपाउंड पेंडुलम या फिर बार पेंडुलम, इसको जानते हैं इस नाम से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑपरेटर्स क्या क्या यूज्ड होते हैं, फार्मूला कौन सा यूज्ड होगा, यहाँ पे इसका फिगर कैसे बनेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, मेथड कैसे है, और ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको रीडिंग में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा आपको वीडियो को देखिए और आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी विद द हेल्प ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम या फिर बार पेंडुलम। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, जो कि इसको हम जानते हैं बार पेंडुलम के नाम से। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स में देखिए आपको क्या क्या लेना है, बार पेंडुलम लेना है, स्टॉप वॉच लेना है, मीटर स्केल लेना है, नीफ एज लेना है, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट लेना है। तो ये आपके रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हो गए हैं। अब आइए हम फार्मूला यूज्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेविटी स्मॉल जी होगा वो 4π² कैपिटल एन अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ पे आपका कैपिटल एल क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ बार पेंडुलम, और यहाँ पे आपका जो कैपिटल टी है वो है टाइम पीरियड। तो हेयर वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड होता है टी, वो आपका 2π√iMgl के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 2π√mk² + ml² / mgl। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 2π√k² / l + l / g। बिकॉज हम जानते हैं कि आपका जो कैपिटल L होता है वो k² / l + l के बराबर होता है, तो इसके प्लेस में हम कैपिटल L पुट कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा जो टाइम पीरियड है वो T, वो आपका 2π√l/g के बराबर होगा। तो आपका जो ग्रेविटी का फार्मूला यहाँ पे जनरेट होगा वो बराबर होगा स्मॉल जी के, 4π² कैपिटल एल अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मेथड देख लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल करना कैसे है, या तो यहाँ पे पॉइंट वाइज को यहाँ पे मेथड यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट करते जाइए। ये आपका पहला है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका मेथड है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है, और ये आपका लास्ट में यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है इस पेज का। यहाँ पे देखिए टू पॉइंट्स और हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे नीचे देखिए इसका ग्राफ बना है बार पेंडुलम का, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, 1.00 cm² 1 m² पेंडुलम। तो आपका यही ग्राफ बनता है, सॉरी आपका ये फिगर है, ग्राफ तो इसमें नहीं बनता है, ये आपका फिगर हो गया है बार पेंडुलम का। अब आइए इसका ऑब्जर्वेशन टेबल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रीडिंग सब अच्छे से यहाँ पे दिया गया है आपको। तो ये आपका है ऑब्जर्वेशन टेबल, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, ये आपका सीरियल नंबर है 1 to 18 लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ इंड, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ये आपका टाइम है सेकंड में, ये आपका टाइम है पीरियड, ये आपका टोटल है, और ये आपका यह टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देख लिए सभी रीडिंग आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, इसको आप नोट करते जाइए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका जो इसमें एसी है वो 60 cm, आपका बीडी भी वही होगा, और आपका जो एल है स्मॉल एल वो आपका 60 cm है लेंथ। तो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल, आपका जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा वो कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल वन प्लस स्मॉल एल टू अपान में 2। तो 60 + 60/2 = 120/2 = 60 cm या फिर 0.6 m। अब यहाँ पे देखिए आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका टी बराबर 1.55 सेकेंड है, स्मॉल जी आपका जो ग्रेविटी है वो 4π² कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू 4 × π का वैल्यू 3.14, इसका होल स्क्वायर है इंटू कैपिटल एल, कितना है आपको यहाँ पे फाइंड हुआ है 0.6, और आपका जो टाइम पीरियड टी है वो आपको 1.55 सेकेंड है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ऊपर का तो आएगा 23.6 और अपान में आएगा 2.4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9.833 m/s². तो ये आपका है
स्मॉल जी बराबर 9.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट का आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल देखा, इसका कैलकुलेशन रिजल्ट, ये आपका यहाँ पे फिगर है बार पेंडुलम का, और यहाँ पे आपका ये मेथड है, और ये आपका रहा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स एंड फार्मूला यूज्ड। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।